नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज की पांच बड़ी खबरें। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो आज की पहली खबर है, यूपीआई समेत डिजिटल ट्रांजेक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज, अगर कटा है आपका पैसा तो मिलेगा रिफंड। जी हां दोस्तों, अब डिजिटल ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 जनवरी 2020 के बाद में किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर MDR चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड भी करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इस बारे में बैंकों को निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक सर्कुलर जारी करके बताया था कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पेमेंट करने पर MDR समेत कोई भी अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। दरअसल सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। आज की अगली खबर है, टिकटॉक डाउनलोड करने के लिए आपको भी आया ये मैसेज तो रहे सावधान, हो सकती है मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन टिकटॉक भारत से बैन हो चुकी है। सरकार ने चीनी एप्लीकेशन को बैन तो कर दिया है, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए इसे अलग अलग वर्जन में परोसा जा रहा है। दरअसल कई लोगों को एक संदिग्ध SMS मिला है जिसमें लिखा है कि टिकटॉक भारत में वापस आ चुका है। इस SMS में टिकटॉक प्रो नाम की एप्लीकेशन की लिंक भी शामिल है। अगर आपको भी इस तरह की लिंक मिली है या फिर मिलती है तो ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। जी हाँ, इस तरह की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना आपके निजी डेटा को या फिर आपके फोन में छुपी निजी जानकारी को किसी अन्य थर्ड पार्टी को शेयर करने जैसा है। तो इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन को जो कि टिकटॉक के नाम पर आई है उनको बिल्कुल भी अपने फोन में इंस्टॉल मत करिएगा। अगली खबर है, अब टोल टैक्स में नहीं मिलेगी हर किसी को छूट, सरकार ने किया नियमों में खास बदलाव, फास्टैग वालों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास कर रही है और इसी के केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश में गाड़ियों पर फास्टैग लगाने का नियम बनाया ताकि टोल प्लाजा पर कटने वाले टैक्स का भुगतान भी ऑनलाइन हो सके। इसकी और जनता को आकर्षित करने के लिए अब सरकार ने एक और नया प्लान तैयार किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब यह नियम बनाया है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी जिनके ऊपर फास्टैग लगा होगा। अगली खबर है, देश की पहली ऑनलाइन उधार की दुकान, अभी खरीदो बाद में करो भुगतान। जी हां, भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में आज से नई क्रांति होने जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को आज से नई सुविधा मिलने जा रही है और इसके तहत इस प्लेटफॉर्म पर आज उधार खरीदो और बाद में भुगतान करना होगा। पुणे की मुद्रा क्विक फिनटेक कंपनी देश की पहली ऑनलाइन उधार की दुकान लेकर आई है। इस कंपनी ने क्रेडिट कार्ड फिनकॉम नामक का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए देश भर के 26,000 पिन कोड पर प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा और इसमें कोई भी छुपा हुआ चार्ज या फिर प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। चलिए तो बात करते हैं सोने के दाम की। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,046 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 40,368 रुपए, 10 ग्राम का 50,460 रुपए और 100 ग्राम का 5,04,600 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस है। वहीं बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,146 रुपए, 8 ग्राम का 41,168 रुपए, 10 ग्राम का 41,460 रुपए और 100 ग्राम का 5,14,600 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वहीं नजर डाले चांदी के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 66.36 पैसे, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 663.60 पैसे और प्रति किलोग्राम के अनुसार 66,360 रुपए चांदी का भाव चल रहा है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। विकल्प है इसके सूरत, इंदौर, पटना या फिर मुंबई। आपको क्या करना है कि इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहां पर प्रकाशित किए जाएंगे। धन्यवाद।